अस्सलाम वालेकुम, रफीक के जायके में आप सभी को खुशामदी। तो आज बनाएंगे करेक कबाब। ठीक है, सुनने में बड़ा अजीब है करेक कबाब, लेकिन बहुत बढ़िया है और मटन की कीमे से बनाएंगे। दिखाते हैं बनाते हुए हम आपको करेक कबाब बनाएंगे कैसे। कैटरिंग का आइटम है, बहुत बढ़िया चलता है बॉम्बे में। कीमा ले लिया है हमने और इसमें से थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। थोड़ा सा कीमा हमें भूनना है, तो इतना कीमा हम निकाल लेते हैं और इतने का हम बनाएंगे रोल। ठीक है, तो अब इसमें मसाले डाल देते हैं। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा व्हाइट नमक, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। बस इसको मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा हरी धनिया डाल के। तो वैसे ये हो गया मिक्स और अब हम कीमा जो हमने निकाल लिया था उसको भून लेते हैं। तो दोस्तों एक पैन लिया है, उसमें पहले थोड़ा तेल डाल देते हैं, थोड़ा मसाला हम इसमें भी डाल देते हैं, नमक, ये व्हाइट नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, ब्लैक पेपर, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और ये आ गया धनिया। तो थोड़ा ये भी चटपटा हो जाएगा। तो डायरेक्ट कीमा को डाल देते हैं, तो इसको बढ़िया ड्राई कर लेंगे। थोड़ा सा दोस्तों इसके अंदर डाल देंगे मेयोनीज। थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। अब इसको रख देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा हो रहा है तब तक हम थोड़ा अंडे तोड़ लेते हैं। तो एक पन्नी इस तरह ले लेना है आपको। ठीक है, और इसके अंदर जो पहले कीमा आपने बनाया था उसको थोड़ा सा रख के और पहले चौड़ा कर लेना है। इस तरह करके थोड़ा पन्नी की मदद से थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है। और एक चीज ध्यान रखें, कीमा आपका बारीक होना चाहिए। हमने तो मोटा कीमा से बना रहे हैं हम, लेकिन आप जब भी बनाएं तो बारीक कीमा से बनाएं, तो आपको फिनिशिंग में इजी हो जाएगा, फटाफट आप बना सकते हैं, आराम से दिक्कत नहीं होगा, फैलाने में आसानी हो जाएगी आपको। आप इस तरह भी कर सकते हो, देखो इस तरफ थोड़ा निकला है तो यूं करके थोड़ा सा फोल्ड कर दिया, फिर दूसरी साइड से भी फोल्ड कर दिया तो मुंह बंद हो गया। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं आप। ये बन के रेडी हो गया। तो ब्रेड क्रम में हमने दो तीन कलर मिक्स कर दिया है, अलग अलग कटोरी में लेके थोड़ा सा पीला, लाल, हरा और मिक्स करके उसके बाद उसको ड्राई कर ले, फिर व्हाइट ब्रेड क्रम में उसको मिला के तीन चार कलर हो जाता है। तो इसी तरह मिक्स चीज अब ब्रेड क्रम में चिपका देना है। और ये करेक रोल आपका रेडी। आगे दूसरा, तो इसी तरह सबको लगा दें। तो हमने तो बड़े बड़े बनाए हैं, आप घर पे बनाते हैं अगर तो छोटा भी बना सकते हैं, रेस्टोरेंट होटल वाले के लिए बड़ा साइज ठीक है, आला कार्ड के लिए तो इससे छोटे छोटे बनेंगे, हमें आला कार्ड में देना नहीं है, आला कार्ड में रहता तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो कीमा आपका बारीक होना चाहिए और आप जितना बड़ा चाहे उतना छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों डाल देते हैं, तेल हमारा मीडियम है।
थोड़ा देख लेते हैं, वरना नीचे रख जाएगा तो इधर से नीचे लगा तो थोड़ा लाल हो गया, वजन ज्यादा है ना तो इधर से नीचे पका लेगा। तो एक बार थोड़ा सा गुस्सा निकाल लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए फिर डाल देंगे। तो डाल देते हैं, एक मिनट हमने इसका वेट कर लिया है, तो थोड़ा फटाक से स्लो तेल में डाल देंगे, थोड़ी देर में ये हो जाएगा। तो बस हो गया, इतना कलर हो आ गया है, अब निकाल देते हैं, लगा देते हैं और एक कटिंग करके आपको हम दिखा देते हैं। कीमा कच्चा रहने का कोई सवाल ही नहीं होता है, बस ये है कि तेल आपका स्लो होना चाहिए और कोशिश करें, हमने तो मोटे कीमा से बनाया लेकिन आप बारीक कीमा से बनाए, बहुत ही टेस्ट बहुत जबरदस्त होता है और इंशाल्लाह बहुत आसान है आप लोगों के लिए, घर के लिए बहुत ही बढ़िया है।